हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम लक्षा खान फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। वेलकम टू माय क्लास इंग्लिश। आज हमारी क्लास है क्लास इंग्लिश की क्वेश्चन आंसर डे थर्ड। फोर्थ क्लास में हमारी इंग्लिश की क्लास है, आज उसका डे थर्ड है। यस ऑल स्टूडेंट, लुक एट द स्क्रीन। ये बुक है आपकी मिरेकल टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश। ये फोर्थ क्लास की बुक है, क्योंकि हम फोर्थ क्लास से बिलोंग करते हैं, तो हमारी फोर्थ क्लास की वाली बुक आएगी। देख लीजिए ऑल स्टूडेंट, ये बुक आपको जल्द से जल्द मार्केट से परचेज करनी है। इसका फर्स्ट लेसन एंजॉय विद द रेसेस, इसको शॉर्ट लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया था। इसके ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स और करेक्ट ऑप्शन भी मैंने आपको यस्टरडे से कंप्लीट करवा दी थी। आज हमारे चलेगा क्वेश्चन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हु मेक्स एन इम्पॉर्टेंट अनाउंस इन द क्लास, क्वेश्चन बता देती हूँ आपको। वॉट इज द इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, विच चिल्ड्रन पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन, हाउ डिड नीता एंड हैरिस प्रिपेयर फॉर देयर रेस, हाउ डिड द टीचर इनक्रॉस द चिल्ड्रन, हु वॉन द थ्री लेगेड रेस। ये सिक्स क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन लिख लीजिए एक बार स्क्रीन पर आप ऑल स्टूडेंट। क्वेश्चन डी चलेगा हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो मैं आपको ये ब्लैक बोर्ड सॉल्व करा रही हूँ, देखो। आंसर द क्वेश्चन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, हु मेक्स एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट इन द क्लास। हु मेक्स, कौन देता है एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, एक घोषणा कौन करता है, मुख्य घोषणा इन द क्लास, कक्षा कक्ष में एक मुख्य घोषणा कौन करता है, तो कौन करती है अनाउंसमेंट, मिस नेहा। अगर आप बन बड में इसको लर्न करना चाहो तो इसका आंसर होगा ओनली मिस नेहा। और अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो मिस नेहा मेक्स एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट इन द क्लास, क्योंकि मिस नेहा थी, उन्होंने ही क्लास में एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया था। वो अनाउंसमेंट ये था कि हम अगले महीने स्पोर्ट कॉम्पिटिशन के लिए जा रहे हैं। मिस नेहा मेक्स एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट इन द क्लास, आप इसको वन वर्ड में भी लर्न कर सकते हो, मिस नेहा। अगर आपसे पूछे कोई हु मेक्स एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट इन द क्लास, तो इसका आंसर होगा सीधा सिंपल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मिस नेहा, क्योंकि मिस नेहा थी, उन्होंने ये इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया था। क्वेश्चन टू है हमारा, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, व्हाट मीन्स क्या इज द इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। जो क्वेश्चन टू है कि वो जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट था, वो जो घोषणा थी, वो किसकी थी, क्या क्या कहा था मिस नेहा ने उसमें। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, तो मैंने अभी आपको पहले बताया कि उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम कहाँ जा रहे हैं, स्पोर्ट कॉम्पिटिशन पे जा रहे हैं। द इम्पोर्टेंट, इधर से देखो, इधर से व्हाट इसको हटा कर द इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट इतना आ गया, इज वी आर गोइंग टू हैव इंटर क्लास स्पोर्ट कॉम्पिटिशन नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, वी आर गोइंग टू क्लास स्पोर्ट कॉम्पिटिशन नेक्स्ट मंथ, कि हम जो है सभी कहाँ पर जा रहे हैं, क्लास स्पोर्ट कॉम्पिटिशन पर जा रहे हैं, या फिर हमारे स्कूल में एक जो है कॉम्पिटिशन वो ऑर्गेनाइज होने वाला है। वॉट इज द इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, जो मुख्य घोषणा थी वो क्या थी, अनाउंसमेंट क्या था वो, द इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट इज वी आर गोइंग टू हैव इंटर क्लास स्पोर्ट कॉम्पिटिशन नेक्स्ट मंथ, कि जो हम अगले जो आने वाला भी महीना है अगला, उसमें हम क्लास जो हमारी स्पोर्ट की क्लास है, खेल की क्लास, उसमें हम क्या करने वाले हैं, एक कॉम्पिटिशन करने वाले हैं। द इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट इज वी आर गोइंग टू हैव इंटर क्लास स्पोर्ट कॉम्पिटिशन नेक्स्ट मंथ, जो कि मिस नेहा थी, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि जो हम सब स्टूडेंट लिसन, सभी सुनो कि हम कहाँ जाने, क्लास स्पोर्ट कॉम्पिटिशन होने वाला है हमारे स्कूल में, और उसमें सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें 100 मीटर और 3 लेगेड रेस होने वाली है। This announce is announced by Miss Neha, और जो कि ये घोषणा थी वो किसके द्वारा घोषित की गई थी, Miss Neha के द्वारा। Question third, which children participated in the competition, जो कि कौन कौन से बच्चे थे जिन्होंने उसमें participate यानी कि भाग लिया था competition के। तो द चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन आर अखिल, आपको यहाँ से रन करना है ओनली शॉर्ट लैंग्वेज में, अखिल, स्नेहा, नीता, हारिश, कारिम, राजू एंड सुमन। अखिल, स्नेहा, नीता, हारिश, करीम, राजू एंड सुमन, जो कौन थे, पार्टिसिपेट किया था इन्होंने इस कॉम्पिटिशन में। तो आप चाहो तो उसको सिंपल लैंग्वेज में भी राइट कर सकते हो, द चिल्ड्रन पार्टिसिपेटे इन द कॉम्पिटिशन आर अखिल, स्नेहा, नीता, हारिश, करीम, राजू एंड सुमन, या फिर आप डायरेक्ट इनका नेम भी राइट कर सकते हो, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, पासिंग मार्क्स। तो
तो अखिल, स्नेहा, नीता, हरीश, करीम, राजू एंड सुमन। हाउ डिड नीता एंड हरीश प्रिपेयर फॉर देयर रेस? हाउ मीन्स कैसे डिड मिक थे नीता एंड हरीश, नीता और हरीश प्रिपेयर हुए यानी कि तैयार किया फॉर देयर रेस, उन्होंने अपनी दौड़ के लिए खुद को कैसे तैयार किया? तो नीता एंड हरीश प्रिपेयर फॉर देयर रेस बाय प्रैक्टिस टिल दे बिकम मोर कॉन्फिडेंट। जब उन्होंने उसकी प्रैक्टिस की बार बार, क्योंकि वो बहुत ही हार्ड रेस थी, तो उन्होंने इसकी प्रैक्टिस की तो उन्हें कैसे हो गए वो मोर कॉन्फिडेंट, यानी कि उनमें एक भावना जगित हो गई। How did the children encourage the? How did the teacher encourage the children? जो कि वो बच्चों की मैंने बताया था आपको, जो थ्री लेगेड रेस की प्रैक्टिस कर रही थी, तो वो उन्होंने काफ़ी उनसे मिस्टेक हो गई थी, तो उसको देख करके उनकी मैम उनकी हेल्प करने के लिए आई थी। तो द टीचर इंकरेज द चिल्ड्रन बाय हेल्पिंग देम इन देयर प्रैक्टिस एंड बाय गाइडिंग देम। जो उनकी मैम थी उन्होंने देखा था कि बार बार गिर रहे हैं, रॉन्ग कर रहे हैं, तो उनकी मैम ने उनको बताया कि थ्री लेगेड रेस इस तरीके से होगी और उन्होंने उनको गाइड किया, जब भी जा करके वो अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर पाए क्योंकि उनकी मैम ने उनकी हेल्प की थी। हु वॉन द थ्री लेगेड रेस? जो थ्री लेगेड तीन तंगड़ी वाली जो रेस हुई थी उसके विनर कौन थे? स्नेहा और अखिल वॉन द थ्री लेगेड रेस। जो स्नेहा और अखिल थे उन्होंने ही तीन तंगड़ी वाली रेस जीती थी। एज गाइज एक बार और देखते हैं, हु मेक्स एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट इन द क्लास? कौन करता है उस क्लास में एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट? तो अगर इसको वन वर्ड में राइट करेंगे तो हम बोलेंगे मिस नेहा, और इसके क्वेश्चंस की तरह से राइट करेंगे पूरा जवाब तो मिस नेहा मेक्स एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट इन द क्लास। जो कि मिस नेहा थी, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट मुख्य घोषणा की थी क्लास के अंदर आकर के। वॉट इज़ द इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट? अब वो अनाउंसमेंट जो मुख्य घोषणा थी वो क्या थी, क्या घोषणा की थी मैम ने? द इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज वी आर गोइंग टू हैव इंटर क्लास स्पोर्ट कॉम्पिटिशन नेक्स्ट मंथ। जो कि मिस निहाती, उन्होंने इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये किया था कि वी आर गोइंग टू स्पोर्ट क्लास कॉम्पिटिशन नेक्स्ट मंथ। इस तरीके से राइट कर सकते हो आप, वी आर गोइंग टू क्लास स्पोर्ट कॉम्पिटिशन नेक्स्ट मंथ, कि हम जो हैं कहाँ जा रहे हैं, अगले महीने हमारे स्कूल में एक क्लास स्पोर्ट कॉम्पिटिशन होने वाला है, उसमें हम कॉम्पिटिशन करने वाले भाग लेने वाले हैं। दिस अनाउंस इज अनाउंसेड बाय मिस नेहा, और ये घोषणा थी वो किसके द्वारा की गई थी? मिस नेहा के द्वारा। मिस नेहा ने कहा था कि हम सब कहाँ जा रहे हैं, स्पोर्ट क्लास कॉम्पिटिशन में भाग लेने वाले हैं, सभी स्पोर्ट क्लास कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज हो रहा है हमारे स्कूल में। Which children participated in the competition? दोबारा देखो, which children, कौन से विद्यार्थी थे, कौन से बच्चे थे participated, इन्होंने भाग लिया था in the competition यानी उस रेस में। The children participated in competition are अखिल, वन वर्ड में इस तरीके से लर्न कर सकते हो आप शॉर्ट में, अखिल, स्नेहा, नीता, हरीश, करीम, राजू एंड सुमन। ये सारे चिल्ड्रन थे जिन्होंने इस रेस में पार्टिसिपेट किया था। तो इनका नेम आप डायरेक्ट लर्न कर लेना तो भी आपको पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। अखिल लर्न करने के लिए शॉर्ट में अखिल, स्नेहा, नीता, हरीश, करीम, राजू एंड सुमन, इनके नेम्स आपको लर्न करने हैं। तो विच चिल्ड्रन पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन, कौन कौन से बच्चे थे जिन्होंने उस कॉम्पिटिशन में, स्पोर्ट कॉम्पिटिशन में भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था? अखिल, स्नेहा, नीता, हरीश, करीम, राजू एंड सुमन। हाउ डिड नीता एंड हरीश प्रिपेयर फॉर देयर रेस? जो हाउ डिड, कैसे तैयार करते हैं नीता एंड हरीश, नीता और हरीश प्रिपेयर फॉर देयर रेस, आप खुद को नीता और हरीश कैसे तैयार करते हैं उस दौड़ के लिए? नीता एंड हरीश प्रिपेयर फॉर देयर रेस बाय प्रैक्टिस टिल दे बिकम मोर कॉन्फिडेंट। जब उन्होंने उसके लिए, उन्होंने हार्ड वर्क किया, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की, क्योंकि वो एक नॉर्मली रेस नहीं थी, बहुत ही डिफिकल्ट रेस थी, इसलिए उन्होंने इसके लिए बहुत पहले से प्रैक्टिस की टीम कॉम्पिटिशन होने से पहले, तो क्या हो गए, वो बिकम मोर कॉन्फिडेंट बन गया, उनके अंदर कॉन्फिडेंट आ गया। हाउ डिड द टीचर इनक्रॉस द चिल्ड्रन? जो कि मैम थी, उन्होंने बच्चों को कैसे हैंडल किया उस रेस के लिए और उनकी कैसी हेल्प की? द टीचर इनक्रॉस द चिल्ड्रन बाय हेल्पिंग दैम, उनकी मदद करके इन देयर प्रैक्टिस, उनकी जो प्रैक्टिस कर रही थी वो थ्री लेगेड रेस की, एंड बाय गाइडिंग दैम, और उनको गाइड किया, उनको बताया कि किस तरीके से थ्री लेगेड रेस होगी, किस तरीके की ये रेस है और आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, जब जा करके वो इस तरीके से मैम ने उनकी हेल्प की। क्वेश्चन सिक्स है हमारा, हु वॉन द थ्री लेगेड रेस? जो तीन टंगड़ी वाली जो रेस थी उसका विनर कौन था? तो स्नेहा एंड अखिल। अगर आप वन वर्ड में लर्न करना चाहते हो शॉर्ट आंसर में, शॉर्ट लैंग्वेज में, तो स्नेहा एंड अखिल।
और अगर क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हो फिर देखो स्नेहा की लाइव क्या मैंने वॉन द थ्री लेगेड रेस, यही सेम डिट्टो आप राइट कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चंस में उसका आंसर लिखा रहता है शॉर्ट में, इस तरीके से हिंदी में राइट करते हैं उस तरीके से इंग्लिश में ही होता है। तो स्नेहा अखिल वॉन द थ्री लेगेड रेस, स्नेहा और अखिल ने ही उस वो ही उसके विनर थे तीन तंगड़ी वाली रेस के। तो गाइस ये था आपका चैप्टर फर्स्ट जो टुडे कंप्लीट हो चुका है। आज का होमवर्क है आपका इंग्लिश का वर्क, देखिए ऑल स्टूडेंट सेम एज एंड इंग्लिश सेम एज एंड लर्न इट, लर्न करने आपको इन क्वेश्चंस को, लर्न इट एंड कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द वर्क इन इंग्लिश नोटबुक, इन इंग्लिश नोटबुक। तो गाइस ये है आपका इंग्लिश का सेम एज एंड लर्न, इसको सेम एज करना है आपको फोर लाइन की, या फिर आप चाहो तो फोर लाइन की नोटबुक बना सकते हो या फिर आप वन लाइन की बना सकते हो, उसमें डाल सकते हो। आप अपना नेम राइट करना फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्लास का स्टैंडर्ड क्लास, और फिर सबसे पहले पेज पर ऊपर ही ऊपर लाइन में इंजॉय लेसन फर्स्ट इंजॉय विद द रेसेस, फिर उसके बाद जिसकी मैंने राइट कराई थी आपको राइटिंग पेज के अकॉर्डिंग आप एक जो मैंने आपको थ्योरी बताई इसकी मीन्स बताया था उसको राइट कर सकते हो राइटिंग पेज में, और उसके बाद उसके फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट ऑप्शन ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट और लास्ट में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं आपको इन इंग्लिश नोटबुक में, इंग्लिश की नोटबुक बनानी है आपको। ओके गाइज गुड बाय, ग्रो योर स्टडी ऑनलाइन विद अस।